जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। रांची में लॉकडाउन है और दोपहर 2 बजे के बाद यहां पर लोगों का घर से निकलना, रोड पर आवाजाही करना मना है। शाम का वक्त है, ऐसे में शाम के समय में लोग क्या करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं नहीं है, लेकिन घर के अंदर क्या करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही घर में हम आए हुए हैं, लेकिन घर घुसने के पहले हम तनी मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये है हैंड सैनिटाइजर, ये पूरी तरह से हम लोग सैनिटाइज हो गए हैं। अब इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से आवाजें आ रही है, इससे पता चलता है कि अंदर कुछ न कुछ हुड़दंग हो रहा है, लेकिन ये हुड़दंग करने वाले कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम आपको अंदर चलकर दिखाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ यूथ हैं, ढोलक है, गिटार है, हेडफोन लगाए हुए हैं। अक्सर फिल्मी गाने सुनते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूथ हैं, भजन सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं। आखिर इस महामारी के दौर में भजन गाने का ही क्या प्रचलन चला है, ये हम जानेंगे। थोड़ा सा विराम दीजिए और ये बताइए कि सब तरफ लॉकडाउन है, कोरोना महामारी का प्रकोप चला हुआ है, ऐसे में आप लोग भजन गा रहे हैं, क्या वजह है कि सिर्फ भजन ही गा रहे हैं? भजन इसलिए गा रहे हैं कि भगवान सबको सुखी संपन्न रखे और सबको निरोग रखे। सभी जितना भी महामारी पे आदमी परेशान है, सब लोग अच्छे हो जाएं और सब लोग दुख से निपट जाएं, अच्छे हो जाएं। ढोलक है लेकिन इनके पास हेडफोन है, मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में क्या करें, बाकी लोग तो भजन गा रहे हैं। मैं भी लिरिक्स गा रहा हूँ, लिरिक्स देख के डेडिकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मैं इस कोरोना बीमारी मतलब कोरोना के महामारी में मैं लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि लोग अभी इतने ज़्यादा ये कोरोना संक्रमण को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो मैं लोगों तक ये संदेश ये पहुंचाना चाहता हूं कि माता रानी पे भरोसा रखें और हिम्मत जुटाएं और कोरोना से लड़ें, घर पे रहें, सेफ रहें। बस आप लोग घर में हैं तो क्या सेफ हैं, क्योंकि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है? बात वो नहीं है कि एक्चुअल में हम लोग अभी जो हैं यहाँ पे, तो हम लोग सब घर के मेंबर हैं, तो ऐसा सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि घर पे आप मास्क लगाओ, ठीक ना। जब तक आप लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर से जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, सैनिटाइज यूज करने की जरूरत है। और घर से बाहर निकलना ही क्यों है जब तक जरूरी काम नहीं है। तो आप लोग अभी क्या सुनाने वाले हैं? भजन सुनाएंगे, सुनाइए। तेरी छाया में, तेरी चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, खुशी मिलती है।
बाबा सब काके दिया ला महाना तारी बाबा ये रहेगा भिखारी बाबा।